हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। लूसेंट से हम एंशियंट हिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे। कुछ बचा हुआ एंशियंट हिस्ट्री में क्या बचा हुआ है बताता हूँ। हिस्टोरिकल सोर्सेस जो दिया हुआ है ना, उसमें हमने लिटरेरी सोर्स कर रखा है। सेकंड है आर्कोलॉजिकल सोर्स। आर्कोलॉजिकल सोर्स में क्वाइन है, मॉन्यूमेंट है, इंस्क्रिप्शन है। तो हम इंस्क्रिप्शन में फॉरनर वाला डिस्कस कर चुके हैं, इंडियन वाला डिस्कस करें। इंडियन वाला में पोस्ट मॉर्न हम डिस्कस कर चुके हैं। पोस्ट मॉर्न में बस दो बचा हुआ है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे गुप्ता और लेटर गुप्ता। क्लियर समझ गए ना कि क्या करना है हमें, क्या करने वाले हैं। क्लियर? तो अगर आप इन कोर्स को परचेज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हो। और एक चीज़ और बात कि मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, तो आप सब्सक्राइब करते भी नहीं हो, प्लीज़ करना और शेयर तो ज़रूर करना। और बताना कैसा लग रहा है क्लास, और दोस्तों को भी बताना। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या है, पहले दो हम डिस्कस कर ले रहे हैं, पोस्ट मॉडर्न वाला, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे गुप्ता और लेटर गुप्ता। पहला क्या है, नासिक में एक केव है। अब क्वेश्चन उठता है कि लोकेशन इस केव का कहाँ पे है। नासिक कहाँ पे है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है नासिक। नासिक में एक जो जगह है पांडुलेना। केव का नाम है धसामी केव है, एम है, धसामी केव। अब क्वेश्चन उठता है क्या कहाँ का है, किसका है। एक्चुअली आपको पता है इस एराम एरिया में इंडो सका जो रूलर थे, जो सका जिसको इंडो सीथियन या सका रूलर बोलते थे, सक रूलर, तो सक रूलर का एक वंश का नाम था छहरात वंश। छहरात वंश, ध्यान देना, छहरात वंश में एक राजा हुआ करते थे, बहुत प्रतापी राजा हुआ करते थे, नहपान रूलर। नहपान, सिंपल याद है, छहरात वंश में एक राजा थे नहपान। ये उस समय राज कर रहे थे, मतलब नासिक में भी इनका ही राज था, याद रखे, नासिक में भी इन्हीं का राज था। तो इनका एक दामाद था जिसका नाम है उषा भद्दत। उषा भद्दत ने इस केव को बनाया और यहाँ पे इंस्क्रिप्शन इनके बारे में लिखी है। तो सबसे पहले इंडो रूलर कौन है, इंडो सका, याद है, इंडो सका या इंडो सीथियंस बोलते थे या सका बोलते थे। और इसके अलावा कहाँ पे केव है, नासिक के पांडुलेना में, और केव का क्या नाम है, धशामी केव है, धशामी। क्लियर? ये लिखा किस चीज, ऑब्वियसली इंडिया में बना है क्योंकि इंडो सका और उधर भी थे राज, तो इंडिया में बना है, इस एरिया में बना है। तो इसका स्क्रिप्ट क्या है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, और लैंग्वेज कौन है, प्राकृत लैंग्वेज है, प्राकृत लैंग्वेज ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ठीक है, ये मुंबई वाले एरिया में है, महाराष्ट्र। इस एरिया में होता तब ना खरोष्ठीय स्क्रिप्ट होगा, समझ रहे हैं ना, इस एरिया में था होता तब ना खरोष्ठीय स्क्रिप्ट होता। अब क्या याद करना है, तो इस केव में क्या क्या लिखा हुआ है। पहले तो दो चीज लिखा हुआ है कि बताया गया है कि हमारे राज्य की बाउंड्री क्या क्या है, बाउंड्री। और सेकेंड चीज क्या होता है, बताने से पहले एक चीज आप सबसे पहले समझिए, क्या आप लोग को पता है गिल्ड क्या होता है, गिल्ड क्या होता है। देखो, गिल्ड, गिल्ड क्या होता है, एक ग्रुप होता है, एक ग्रुप होता है किसका, जैसे बहुत सारे मर्चेंट का। मर्चेंट में आप क्या कर सकते थे यहां पे, ये समझो एक बैंक टाइप का है, बैंक। अगर यहां पे आप कुछ पैसा दोगे तो आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो इन्होंने क्या किया, 3,000 कहपान उस समय वहां का यूनिट था, समझ लो रुपया, 3,000 रुपये को उन्होंने दो गिल्ड में लगा दिया। एक था गोवर्धन गिल्ड, एक और भी कोई गिल्ड था, और भी छोटे मोटे गिल्ड। यहाँ पे 2,000 इसमें इन्वेस्ट किया, इसमें 1,000 रुपये इन्वेस्ट किया, यहाँ से आ रहा है इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट का पैसा खर्चा कहाँ पे करेंगे भाई, इस इंटरेस्ट का पैसा खर्चा करेंगे इस एरिया में, जो पांडू लेना केव के एरिया में जो भिक्षुक वगैरह रह रहे हैं या जो पुअर पीपल है, उनके क्लोथ खाना वगैरह के लिए खर्चा चल जाएगा। ठीक है ना, यानी ये देखो काफी ये चालाक राजा थे, डायरेक्टली पैसा नहीं दे रहे हैं, यानी कम मतलब कि इंटरेस्ट के पैसा से ये क्या कर रहे हैं, भलाई का काम कर, ये भी सही चीज है। समय समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, रुद्र दामन का जूनागढ़ या गिरनार इंस्क्रिप्शन। जूनागढ़ या गिरनार इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ का लोकेशन अगर आप देखो तो जूनागढ़ यहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे अब दिख रहा है गुजरात में, यहाँ इस लोकेशन पे,
यहाँ पे, ठीक है। चलिए, काफी इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज क्या था? लैंग्वेज था संस्कृत, लैंग्वेज में लिखा गया है। और स्क्रिप्ट कौन सा है? ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, खरोष्टी नहीं है। जूनागढ़ और गिरनर इंस्क्रिप्शन, इन्होंने सबसे पहले क्या किया? इन्होंने बोला कि हमने हमने जो सुदर्शन लेक था, बहुत फेमस लेक, उसको रिपेयर करवाया, सुदर्शन लेक, ठीक है। अब इनसे पूछा गया कि भाई बनवाया कौन था? तो इन्होंने बोला कि बनवाया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, उस एरिया के जो उस प्रोविंस के जो गवर्नर थे पुष्य गुप्ता, उसने बनवाया था उसको। ध्यान देना, चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पुष्य गुप्ता जो उस एरिया के प्रोविंस थे वो इसको बनवाया। इन्होंने बस क्या किया? रिपेयर करवाया, ठीक है। एक और चीज, यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य तो बनवाए ही बनाए, बाद में इसको रिपेयर करवाया अशोका ने भी, आपको पता है ना अशोका। और ऑब्वियसली अशोका के गवर्नर का याद नहीं करना, इवन रुद्रदामन के भी गवर्नर का याद नहीं करना है, ऐसे नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली रुद्रदामन खुद नहीं करेगा। रुद्रदामन बोल रहे थे कि यार सुदर्शन तो दूरदर्शन हो गया था, इतना बेकार दिख गया था, इसलिए हमें रिपेयर करवाना पड़ा है। ये पहला इंस्क्रिप्शन है जहाँ पे विष्णु भगवान और लक्ष्मी भगवान को साथ साथ मेंशन किया गया है, ठीक है ना। इसके अलावा रुद्रदामन ने अपनी तारीफें की भी की है कि भाई मैंने इसको हराया, इसको हराया, इसको हराया, वो सब नॉर्मल बात है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे गुप्ता के बारे में देखते हैं। गुप्ता के राजा, पहले राजा कौन थे? सीधा श्री गुप्ता उसको बोलते थे, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट राजा थे चंद्रगुप्त वन, उसके बाद समुद्रगुप्ता, ये बिल्कुल नहीं याद रखना है, फिर राम गुप्ता भी नहीं याद रखना, चंद्रगुप्त टू, कुमार गुप्त, स्कंद गुप्त, हो गया, इतना ही हमें याद रखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले समुद्रगुप्ता, समुद्रगुप्ता के बारे में बहुत डिटेल में दिया गया है। समुद्रगुप्ता का जो लिखा हुआ है ना इंस्क्रिप्शन, कई जगह मिला, आपको यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले इसको देखो, ये स्टार्टिंग में कहाँ था मैं बता, ये एक पिलर पे है। पहले स्टार्टिंग में जो प्रयाग इलाहाबाद प्रास्ती बोलते, प्रास्ती का मतलब होता है कि आप तारीख पे तारीफ करो राजा के बारे में, एकदम डिटेल में लिख रहे हो, ठीक है ना। इलाहाबाद का मतलब इलाहाबाद में अभी है। और प्रयाग में एक्चुअली जो पहले इंस्क्रिप्शन था ना, वो प्रयाग में था पहले, जो ओरिजिनली इनका इंस्क्रिप्शन कहाँ पे रखा होता? प्रयाग में। बाद में इसको शिफ्ट किया गया इलाहाबाद फोर्ट में, अभी हमें इलाहाबाद फोर्ट में इनका इंस्क्रिप्शन देखने मिलता है। पहले प्रयाग कौशाम्बी में हुआ करता था, इसलिए नाम समझ गया ना, प्रयाग इलाहाबाद प्रास्ती, प्रास्ती का मतलब राजा की तारीफ करो उनके बारे में बहुत डिटेल में, इलाहाबाद फोर्ट में है, प्रयाग में था पहले, ठीक है। इस पूरे प्रास्ती में जो इनके बारे में इंस्क्रिप्शन में पूरा चीज लिखा हुआ है वो 33 लाइन में लिखा हुआ है, लेकिन कुछ लाइन हमारे पास लिए इंपॉर्टेंट है। पहला, सातवां और आठवां लाइन क्या लिखा हुआ है कि इनको सक्सेसर नियुक्त किया गया, मतलब अनाउंस किया गया, अभी चंद्रगुप्त मौर्य वन ने अनाउंस किया कि हमारा सक्सेसर कौन होगा? समुद्रगुप्त होगा। उसके बाद 13वां लाइन में क्या लिखा हुआ है कि इसने अच्युत और नागसेन को हराया और पाटलिपुत्रा को एनेक्स किया। क्या लिखा हुआ है 13वां लाइन में? अच्युत और नागसेना को हराया, पाटलिपुत्र को एनेक्स किया, ये भी लिखा हुआ है। उसके बाद इनको इनको 18वां लाइन में लिखा हुआ है कि जो पराक्रम था, पराक्रम इनका एकमात्र अलाय था, इनका एक ही दोस्त था पराक्रम, वेलोर, और पूरे बॉडी पे इनके बहुत सारे मार्क्स थे, कट वट मार्क्स नहीं होते हैं वो मार्क्स, क्योंकि इतनी लड़ाई, इतना वीर इंसान था, ठीक है। 19वीं और 20वीं लाइन में इनको दक्षिण पथा बोला जाता था। दक्षिण पथा क्यों? क्योंकि साउथ के 12 रूलर को इन्होंने हराया था, ठीक है ना। 21वीं लाइन में क्या लिखा है कि नागा डायनेस्टी जो थे ना ऑफ कौशाम्बी, उसके 3 रूलर को इन्होंने हराया था, 3 नहीं है 9 है, 9 रूलर को हराया था नागा डायनेस्टी कौशाम्बी के। उसके बाद नेक्स्ट है 22वां लाइन, 22वां लाइन में क्या लिखा हुआ है कि ये अताविक पे जीत हासिल किए थे, अताविक, और ईस्टर्न रीजन में, ईस्टर्न इंडिया में जो 5 राजा थे इनके सबॉर्डिनेट बन गए, मतलब बिना लड़ाई किए, अताविक इनसे लड़ाई करने आया तो हारा, बाकी इनके सीधा साथ आ गए। उसके अलावा 24वें लाइन में लिखे हैं कि कई रूलर थे ना उन्होंने सबॉर्डिनेशन साइन कर लिया,
कुषाण के रूलर थे उन्होंने, सका रूलर थे वो भी, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा, मलाय, ये सब। ऐसा नहीं कि इन सबको जाके हराया, इन्होंने इनके पराक्रम को देख लिया, बोला कि सर आपके नीचे हम रहते, कोई दिक्कत नहीं है हमें, बट जान तो बचा रहेगा, टैक्स वैक्स देंगे। 27वां लाइन में लिखा हुआ है कि इनको कविराज बोला जाता था, कविराज, ठीक है ना। और ऐसा लिखा हुआ इनके बारे में कि भाई इनके सामने तो नारद भगवान ये भी फीके थे, ठीक है ना, नारद और तुम्बारू ये दोनों फीके थे, जो गंधारवा म्यूजिक है ये तुम्बारू ने दिया है। और नारद भगवान के बारे में तो हम जानते हैं कि बहुत म्यूजिशियन थे और कवि वगैरह थे, तो कविराज इतना बड़ा था कि ये दोनों इनके सामने कोई आते नहीं थे, ठीक है ना, मतलब म्यूजिक में, म्यूजिक के मामले में। और उसके बाद 28वां क्या है, पैट्रोन्स थे बहुत सारे स्कॉलर के, स्कॉलर का नाम हमें नहीं याद करना है, बहुत सारे स्कॉलर के। उसके बाद 29वां और 30वां लाइन में लिखा हुआ है, 29वां और 30वां लाइन में क्या क्या लिखा हुआ है इनके बारे में, कि लिच्छवी के दोहित्रा थे, दोहित्रा का मतलब डॉटर के बेटे, मतलब लिच्छवी से के नाती थे, सिंपल समझना, इनकी माँ थी लिच्छवी से बिलोंग करती थी, ठीक है ना। उसके बाद इनको महाराज धीराज बोला जाता था, विष्णु भगवान का अवतार बोला जाता था। और इसके इसके बाद है कि प्राचीर वॉल वाउंड विथ धर्मा, मतलब धर्म को बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे, ठीक है ना। और ये सारी चीज़ें इनके बारे में जो जिन्होंने लिखा है, उनका नाम है हरिसेन, हरिसेन उनके पोर्ट के कोएट थे, पोएट थे कोर्ट के, ठीक है। तो सिंपल है, बहुत कुछ इनके बारे में लिखा है, 33 लाइन में जो इम्पोर्टेंट लाइन था वो आपके बुक में दिया हुआ है। ये प्लीज हमें थोड़ा ध्यान रखना है, आपको लाइन कभी नहीं पूछेगा, लेकिन ये सिर्फ पूछा हुआ है कि दक्षिण पथा, उसके अलावा 9 रूलर को हराया नाग डायनेस्टी के, अताबी को हराया, कुषाण, ये सब, जावा, सुमात्रा, मलाय, सब, कविराज बहुत इम्पोर्टेंट, पैट्रोन्स ऑफ स्कॉलर, महाराज धीराज, अवतार ऑफ विष्णु, प्रचार वॉल बाउंड ऑफ धर्मा, ये सब इनके बारे में लिखा हुआ है। एक और इंस्क्रिप्शन है जो समुद्रगुप्त के बारे में ही है, और इंस्क्रिप्शन जिसको हम ईरान इंस्क्रिप्शन बोलते थे, ईरान इंस्क्रिप्शन, ठीक है ना। इन यहाँ पे इनको क्या बोला जाता है, सर्व राज ओछेत्ता का सिंपल मतलब, भाई इसका सिंपल मतलब है जितने भी राजा थे उसके अपरूटर थे, या तो मार दिया या तो बाकी राजाओं को अपने कदमों में दबा दिया, समझ में ना, या तो मार दिया या तो उसको अपने कदमों में कर दिया। उसके अलावे इन यहाँ पे एक और चीज लिखा है कि इनकी वाइफ का नाम है दत्ता देवी, दत्ता द्वाबी देवी इनकी वाइफ का नाम है, ठीक है ना। और उसके अलावा लिखा हुआ है कि जो ईरान वर्ड आया ना, ईरान वर्ड किससे आया, एरिकिनी से आया, एरिकिनी इनका पर्सनल जागीर था, किनका, ऑब्वियसली समुद्रगुप्त पर्सनल जागीर को हम बोलते हैं स्वभोग नगर, ठीक है ना। उसके अलावा एक और इंस्क्रिप्शन इनके बारे में, नालंदा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, समझ में ना, ये आपको नालंदा के बिहार से मिला है। ये एक्चुअली किस लैंग्वेज में लिखा था, संस्कृत लैंग्वेज और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा था, यहाँ पे कॉपर प्लेट मिला है, याद रखिए नालंदा में कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है। यहाँ पे इनके बारे में लिखा कि भाई ये लैंड ग्रांट किए थे, अग्रहार यानी लैंड ग्रांट किए थे, इनके बारे में लिखा है कि भाई ये जमीन दान पे दिए थे, ठीक है ना, लैंड ग्रांट किए थे, और किन को, ऑब्वियसली ब्राह्मणा को, ठीक है ना। और एक और चीज, ये जो इंस्क्रिप्शन है ना नालंदा में, यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं समुद्र गुप्ता के बारे में देखने, इवन यहाँ पे श्री गुप्ता से लेके, नहीं मतलब यहाँ पे बस ये लिखा हुआ है कि श्री गुप्ता से लेके समुद्र गुप्ता के राजाओं की जानकारी आपको मिलेगी यहाँ से, मतलब बाकी राजा नहीं, यहाँ पे ऐसे दान वान नहीं दिया था, लेकिन बाकी राजाओं के बारे में देखने को मिलता है। इवन गया कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, गया और नालंदा सेम चीज लिखा है, दोनों जगह कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, सेम चीज है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो समुद्रगुप्ता का यार कई सारा इंस्क्रिप्शन है, गया का, नालंदा, ईरान, और उसके बाद है प्रयाग प्रस्थी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं चंद्रगुप्त 2 का, यहाँ इनके लिए 2 है,
एक है उदयगिरी, उदयगिरी जो केव है एमपी के विदिशा में एक हिल्स है, उदयगिरी वहीं पे है, और एक है मेहरौली, मेहरौली दिल्ली में है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो उदयगिरी में हिल्स है, वहां पे उन्होंने दो केव बनवाए, एक केव इनको किसने, एक केव जो इनके फ्यूडेटरी थे ना उन्होंने बनाया, और ये कौन सा रीजन था, संकानिक रीजन था, संकानिक रीजन में इनके फ्यूडेटरी ने केव बनवाया। दूसरा केव इनके एक मिनिस्टर थे, मिनिस्टर का क्या नाम था, मतलब मिनिस्टर का नाम याद नहीं था, मिनिस्टर का कौन से मिनिस्टर थे, मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वॉर जिसको हम संधि विग्रहिक बोलते हैं, इस मिनिस्टर ने बताया कि एक केव हमने बनवाया है और केव पे हमने इंस्क्रिप्शन लिखा कि राजा चंद्रगुप्त टू ने यहाँ पे वेस्टर्न रीजन के राजाओं को हराया है, उदयगिरी केव में। मेहरौली जो केव है वहां पे आपको चंद्र वर्ड है ना, चंद्र वर्ड लिखा हुआ है, और चंद्र गोवर्ड से हिस्टोरियन ने क्लैरिफाई कर लिया कि क्लेरिफाई कर लिया कि चंद्र वर्ड है फॉर चंद्रगुप्त टू, ठीक है। तो उदयगिरी केव और मेहरौली ये दोनों है चंद्रगुप्त टू के लिए। आगे है कुमारगुप्त, कुमारगुप्त का क्या है, एक दामोदरपुर कॉपर प्लेट है, दामोदरपुर कॉपर प्लेट, और एक है मंदसौर स्टोन इंस्क्रिप्शन, ध्यान देना दामोदरपुर और एक है मंदसौर स्टोन इंस्क्रिप्शन, और ये कुमारगुप्त का यही है, फिर स्कंदगुप्त का हम डिस्कस करेंगे। दामोदरपुर पड़ता कहाँ पे है, ये नॉर्थ बंगाल का एक जगह था जिसका नाम था दिनजारपुर, दिनाजपुर, ठीक है ना। ये कुमारगुप्ता साम्राज्य का ही पार्ट था, ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखा है और ऑब्वियसली ब्राह्मी स्क्रिप्ट होगी, ठीक है। नेक्स्ट है मंदसौर, मंदसौर इन्होंने देखो मंदसौर में क्या है, मंदसौर में कौन सी रिवर है, शिवान रिवर, सिवान रिवर है, SIVAN। इन्होंने बनाया कि इन्होंने बताया कि जो सिल्क इंडस्ट्री थी ना गुजरात वाले एरिया में डिक्लाइन करने लगी, और जैसे सिल्क इंडस्ट्री डिक्लाइन की तो कॉमर्स और इंडस्ट्री भी डिक्लाइन हुआ, तो जो सिल्क के गिल्ड्स थे, गिल्ड्स का मैंने मैंने बता दे ग्रुप ऑफ मर्चेंट, ये बैंक की तरह काम करते हैं मर्चेंट, वो शिफ्ट हो गए, लात एक जगह है जो कि सदर्न गुजरात में, वहां से माइग्रेट हो गए, चला है दसपुर में। दसपुर कहाँ पे होगा, ऑब्वियसली इसी एरिया में होगा, ये मंदसौर में, मंदसौर दसपुर में आ गए, और वहां पे उन्होंने एक टेम्पल बनाया जो सूर्य भगवान को डेडिकेट करता है, ठीक है ना, टेम्पल बनाया सूर्य भगवान को डेडिकेट करने के लिए। तो मंदसौर आ गया, इंस्क्रिप्शन आ गया, ये कहाँ पे है, ऑब्वियसली एमपी, एमपी, एमपी में जगह का क्या नाम है, मंदसौर है, रिवर है सिवान, ठीक है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्कंद को, इसका जिस इस इनका भी दो ही है। अब स्कंद गुप्ता का दो है, एक है गिरनर जूनागढ़ में और एक है भितारी पिलर। देखो गिरनर जूनागढ़ में इंस्क्रिप्शन में सबसे पहले लिखा हुआ है कि यहाँ पे स्कंद गुप्ता ने क्या किया था, गोपत का अपॉइंटमेंट करना शुरू कर दिया था। गोपत क्या है, प्रोविंस का गवर्नर हुआ करता था, एक राज्य का गवर्नर है गोपत, ठीक है ना। और गोपत इस समय यहाँ इस एरिया का गोपत था कौन, गिरनर गोपत, जो गिरनर गोपत के, गिरनर वाले एरिया के गोपत है उनके बेटे का नाम है चक्रपालिका, चक्रपालिका, गिरनर गोपत के बेटे हैं उनका नाम क्या है, चक्रपालिका। इसमें पहले हमने क्या समझा, इसमें हमने समझा कि स्कंद गुप्ता ने गोपत वाल गोपत नाम का एक नया पोस्ट ला दिया है, गोपत नाम का नया पोस्ट ला दिया है, तो इसको बनवाया क्या, सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाना था, इसमें करवाया चक्रपालिका ने, चक्रपालिका, चक्रपालिका, ठीक है। और इन्होंने चक्रपालिका ने जब रिपेयर करवाया तो दो चीज लिख दिया, उन्होंने लिखा स्कंद गुप्ता के बारे में कि स्कंद गुप्ता है कल्याणकारी राज्य, राज्य मतलब स्कंद गुप्ता के राज्य समय में जो राज्य है वो कल्याणकारी राज्य है, और हम है आदर्श नगर रक्षक। इनके पापा का क्या नाम था वो सब नहीं याद करना है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं, हो गया चक्रपाली ता है ठीक, कोई दिक्कत। भितारी पिलर ये कहाँ पे, गाजीबाद डिस्ट्रिक्ट में, संस्कृत लैंग्वेज ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, ठीक है। और यहाँ पे भगवान श्रृंग यानी भगवान विष्णु का स्टैचू भी बनाया है, यहाँ पे भितारी पिलर जो इंस्क्रिप्शन है वहां पे टेम्पल भी बनाया गया था, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल। उसके बाद
जो रेवेन्यू इन्होंने रिसीव किया था, एक्चुअली भितारी जो गांव है वहां से लोगों ने बहुत सारा पैसा भी दिया था मंदिर बनवाने के लिए। कौन से भगवान का मंदिर है, याद रखें, भगवान श्रृंगी यानी विष्णु भगवान का। और यहाँ पे ऑल्सो मेंशन किया है कि ह्यूंस का इन्वेजन हुआ था, ठीक है ना। स्कंद गुप्ता का लास्ट है, एक और है, इंदौर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। इंदौर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, इसमें एक्चुअली बात किया हो गया है अबाउट सौर संप्रदाय, ठीक है ना। सौर संप्रदाय का मतलब ऐसा कम्युनिटी जो सौर से रिलेटेड है, यानी सन से रिलेटेड है, सन से रिलेटेड है, याद कर लिया। और जैसे गिल्ड का मैंने बताया था ना, गिल्ड, एक गिल्ड था, यहाँ मैं बात करता हूँ, तैलिका श्रेणी, ये गिल्ड था किसका, वायल मिलर्स का। वायल, बहुत सारे वायल मिल नहीं होते हैं, वायल मिल तेल बनाने वाले मशीन, उसके जो मालिक थे उन्होंने एक ग्रुप बना लिया था, ठीक है ना। वर्क, ये बैंक की तरह काम करते थे। और ये यहाँ पे एक्चुअली क्या वर्ड निकला है, इस जगह से दो वर्ड निकला है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होता था, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, उसको बोलते थे अत्रावेदी, और सर्वनाग बोलते थे एडमिनिस्ट्रेटर को, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है ना। उसका लास्ट है दो, एक है भानुगुप्ता का और एक है भानुगुप्ता और एक और है। भानुगुप्ता का इंस्क्रिप्शन कहाँ पे मिला है, ईरान में, ऑब्वियसली वहीं पे, एमपी पे जगह नहीं है, अब सागर डिस्ट्रिक्ट, एमपी के सागर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा है, भानुगुप्ता के इस समय में एक लिखा गया है कि यार इस समय हुंस ने अटैक कर दिया हम पे, और हमारे तरफ से जो फ्यूडेटरी थे ना, हमारे फ्यूडेटरी, भानुगुप्ता के फ्यूडेटरी जिसका नाम था तोरमान, तोरमान ने लड़ाई कर लिया हुंस से, लेकिन हुंस काफी मजबूत था, तोरमान की मृत्यु हो गई। तोरमान की जैसे ही मृत्यु हुई तो तोरमान की वाइफ ने सती प्रैक्टिस कर लिया। पहली बार था कि सती एंशियंट इंडिया में प्रैक्टिस हो रहा था, वो भानुगुप्ता के समय में, भानुगुप्ता की वाइफ। सेकेंड क्या है, एक और इंस्क्रिप्शन है, ठीक है ना। ये इंस्क्रिप्शन किसका है, तोरमांस का, तोरमांस का, सॉरी यहाँ पे मैंने कुछ अजीब बता दिया। हुंस इन्वेडर का नाम था तोरमांस, हुंस का जो इन्वेडर था ना उसका नाम था तोरमांस, और उन्होंने लड़ाई किया भानुगुप्ता के फ्यूडेटरी गोपराज से, समझ में आना। हुंस के इन्वेडर का नाम था तोरमान, हुंस की तरफ से जो लड़ाई करने आया तोरमांस, और जो लड़ाई कर रहे थे गोपराज, ये कौन थे, भानुगुप्ता के फ्यूडेटरी थे। इसमें इनकी हार हो गई, कट का निशान लगा था, हार हो गई। उसके बाद इनकी वाइफ ने सती प्रैक्टिस किया, और पहली बार ये एंशिएंट इंडिया में था। और बाद में एक और इंस्क्रिप्शन था, वो ईरान में इंस्क्रिप्शन था, ईरान इंस्क्रिप्शन एमपी में, ये कौन किया था, ये तोरान ने किया था। तोरान एक हुंस के राजा थे, और इन्होंने अपनी पॉलिटिकल अचीवमेंट लिखी है, ठीक है। तो ये सारा हो गया, नेक्स्ट वीडियो में हम लेटर इंस्क्रिप्शन डिस्कस करेंगे, एक छोटा सा वीडियो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्वाइन और मॉन्यूमेंट्स का एक छोटा सा वीडियो आएगा, उसके बाद प्री हिस्टोरिकल वाला हम लोग करेंगे, उससे ही फायदा ये होगा प्री हिस्टोरिकल वाला का, एक जगह इकट्ठा सब कुछ मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच।